दर्शकों, एक बार फिर से आपका हमारे न्यूज चैनल दस्तक भारत में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है रिसा नगर पालिका के 18 नंबर वार्ड से तृणमूल उम्मीदवार टीकू मिश्रा। पिछले 10 वर्षों से ये सक्रिय राजनीति में रहे हैं। युवा नेता के तौर पर 24/7 अपने आप को समर्पित करके रखे हैं। टीकू मिश्रा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात, आपको तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बने हैं, क्या कहेंगे? मैं सुखसागर मिश्रा टीकू ममता दीदी के आशीर्वाद प्राप्त से रिसा नगर पालिका के 18 नंबर वार्ड के तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। मुझे प्रथम बार दीदी के आशीर्वाद से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है 18 नंबर वार्ड से। मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशी हो रही है। जनगण का सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा। वैसे मैं तो इस वार्ड से तकरीबन 10 वर्ष से सक्रिय राजनीति में हूँ और सभी हमारे यहाँ के नागरिकों का हर प्रकार का जो भी सेवा, जो भी कार्य होता है उसको करता हूँ। मुझे इस बार और अच्छा लग रहा है। पिछले 10 वर्षों में जब से आप सक्रिय राजनीति में हैं, भले ही आप जनप्रतिनिधि नहीं रहे, आपके परिवार का सदस्य जनप्रतिनिधि रहा, ये वार्ड को आपके पूरे परिवार ने अपने आप को समर्पित करके रखा, तो 10 वर्षों का राजनीतिक जो आपका कैरियर रहा वो कैसा रहा? पिछले 10 वर्ष में यह वार्ड 2015 में महिला था तो हमारी भाभी यहाँ से काउंसलर थी, इसलिए तो पूछना नहीं। हम लोग सर्वप्रथम कि यह 18 नंबर वार्ड को हम लोग वार्ड नहीं समझते हैं, यह हम लोग का परिवार है और इस परिवार के हम लोग सदस्य हैं और परिवार के सदस्य के रूप में ही हम लोग काम करते हैं। इस वार्ड में क्या क्या विकास का काम आपके नेतृत्व में हुआ? इस वार्ड में विकास जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी, ये सब तो पहले से ही है और उन्नयन करने के लिए आप सब भी देख रहे हैं, मुझे तो नहीं कुछ लग रहा है कि उन्नयन में कुछ बचा हुआ है। और रिसा नगर पालिका में हम लोग के रिसा नगर पालिका के चेयरमैन श्री विजय सागर मिश्रा जी के नेतृत्व में जो रिसा में उन्नयन हुआ है और 18 नंबर वार्ड में जो उन्नयन हुआ है, हम सब यहाँ की जगह देख रहे हैं। और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, इस वार्ड के कितने लोगों को उसका लाभ मिला है? हमारे देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री ममता दीदी ने जो प्रकल्प, बहुत सारे प्रकल्प जो योजनाएं उनका है राज्य सरकार का, जैसे लक्की भंडार, सास्तो साथी, स्वभूत साथी, संभवती, बहुत सारा, मतलब हम गिनाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसा कोई भी प्रकल्प नहीं है जो हमारे 18 नंबर वार्ड के किसी घर में नहीं है, ये सुविधा हर घर में है। आपको 2 वर्षों से कोरोना महामारी जो परिस्थितियां थी, इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, उस वक्त आप लोगों के बीच में जाके परिसेवा देना या उनकी समस्याओं का निपटारा करना, ये कैसे संभव हो पाया? यह संभव सर्वप्रथम कि हमारी जो दीदी ममता दीदी हैं उनके आशीर्वाद से हम लोग का पैंडेमिक में जो महामारी था, महामारी में हम लोग घर घर हम लोग गए हैं जा करके, राशन से लेके, दवा से लेके, एम्बुलेंस से लेके, दोपहर 2 हो या रात 2 हो, हम लोग के चेयरपर्सन श्री विजय सागर मिश्रा जी के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सहयोग किया हम लोग का वार्ड में, पूरा रिसरा के सभी वार्ड में। हम लोग कोरोना में हर घर में हम लोग जो सुविधा, जो जरूरत थी, उस जरूरत को हम लोग पूरा किए हैं। आपके वार्ड में वैक्सीनेशन का काम किस तरह हुआ? बहुत अच्छा हुआ है। दुआरे वैक्सीन से लेके दीदी का निर्देश पर जो दुआरे वैक्सीन प्रकल्प था, हर घर जाके जो फिजिकली चैलेंजेड है, जो डिजेबल है, जो घर नहीं आ सकते हैं या जो सीनियर सिटीजन है, तो सेंटर तक नहीं जा सकते, उनको घर घर जाके हम लोग वैक्सीन दिलवाए हैं। और आप जैसा कि जानते ही हैं कि हुगली जिला में सबसे सर्वप्रथम वैक्सीनेशन में रिसड़ा नंबर 1 थी, यह बहुत अच्छा ये विजय मिश्रा जी का नेतृत्व। प्रिय राजनीति में रहे हैं पिछले 10 वर्षों से,
और मुझे नहीं लगता है कि इस वार्ड में या फिर आसपास के इलाके में कोई ऐसा शख्स हो जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि आपने 24/7 अपने आप को समर्पित किया है और राजनीति की भावना से नहीं, एक जन सेवक की भावना से आपने किया है। तो ये तो खासियत है आपकी जो लोग कहते भी हैं। अब मुझे ये बताइए कि आपको अगर जनता जनप्रतिनिधि अपना बनाती है, अगर का तो सवाल नहीं है, फिर भी अगर बनाती है, तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट इस वार्ड के लिए क्या रहेगा? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट 18 नंबर वार्ड को एक मॉडल वार्ड के रूप में खड़ा करना और साफ सफाई, ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड के रूप में करना है। और उसके साथ साथ जो आप देखें विगत 2 वर्षों में जो महामारी में बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, उसको लेकर के मेरा एक विचार है कि अपने वार्ड में निःशुल्क शिक्षा केंद्र, निःशुल्क एडुकेशन सेंटर, हम लोग फ्री ट्यूशन कोचिंग सेंटर हम लोग करेंगे। यह मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरा तो आप देख ही रहे हैं, रिसड़ा नगर पालिका के चेयरपर्सन श्री विजय सागर मिश्रा जी के नेतृत्व में पूरा रिसड़ा सीसीटीवी कैमरा से बाउंड्री किया हुआ है। का रिसड़ा में सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है कि क्राइम फ्री हम लोग का रिसड़ा है, ना किसी प्रकार का असुविधा है। आज रात को 12 बजे हो या रात को 2 बजे भी हो, हमारी माताएं बहनें आराम से आती जाती हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सुख सागर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आप इस वार्ड की नागरिक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सुख सागर मिश्रा हूँ। आगामी आने वाले 27 फरवरी को मिश्रा नगर पालिका के चुनाव में 18 नंबर वार्ड से तृणमूल कांग्रेस के ममता दीदी के आशीर्वाद प्राप्त उम्मीदवार को जोड़ा पुल में 3 नंबर बटन दबा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाया। जैसा कि हम बात कर रहे थे जाने माने शख्सियत टिकू मिश्रा जी से, यानी कि सुख सागर मिश्रा, तो आपने देखा कि उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है इस वार्ड को लेकर, वो है कि मॉडल वार्ड बनाना, क्लीन और ग्रीन वार्ड बनाना। तो ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ आपकी अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, देखते रहिए दस्तक भारत। नमस्कार।